विश्व की निगाहें भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मून मिशन के सपने को साकार करने से चंद्रयान 3 चांद से बस कुछ ही दूरी पर इतिहास रचने को तैयार है। यान का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चंद्रयान 3 की यात्रा अब तक इसरो के मुताबिक सफल रही है। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 अपना अंतिम डिस्ट्रीब्यूटिंग चरण पूरा कर लिया है, बस उसको सूरज निकलने का इंतजार है। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम 23 अगस्त 2023 को शाम 6 बजे के करीब चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। हालांकि इससे पहले विक्रम लैंडर के लिए अनुकूल स्थितियों को पहचाना जाएगा। इसरो के मुताबिक लैंडिंग के लिए निर्धारित समय से ठीक 2 घंटा पहले यान को उतारने या न उतारने पर अंतिम निर्णय होगा। इसरो के वैज्ञानिक नीलेश एम देसाई के मुताबिक अगर चंद्रयान 3 को 23 अगस्त को लैंड नहीं कराया जाता है तो फिर इसे 27 अगस्त को भी चांद पर उतारा जा सकता है। बता दें कि लैंडर विक्रम के अंदर ही प्रज्ञान रोवर को रखा गया है, जो लैंडर के चंद्रमा के सतह पर लैंड होने के करीब 15 से 30 मिनट के बाद उसके अंदर से निकलेगा और चंद्रमा की सतह पर कई वैज्ञानिक प्रयोगों को अंजाम देगा। रोवर प्रज्ञान का वजन 26 किलोग्राम का है, जो 6 पहिए वाला रोवर चंद्रयान 3 मिशन का हेड यानी कम्युनिकेशन इन चीफ है। इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रमा पर की गई खोज को प्रज्ञान ही धरती तक भेजेगा। मालूम हो कि चांद की सतह पर उतरने के बाद रोवर कुल 14 दिनों तक खोज और जानकारी जुटाएगा। बता दें कि रोवर प्रज्ञान की आयु चांद के 1 दिन के बराबर यानी 14 दिनों तक है। रोवर चंद्रमा पर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, टाइटेनियम, कैल्शियम और आयरन से जुड़ी जानकारी को भी जुटाएगा। बता दें कि 7 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लैंडर विक्रम ने चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव के पास सिल्पेलियस एन और मैग्नीशियस सी नामक 2 गड्ढों के बीच उतरने का प्रयास किया, लेकिन यह सफल नहीं हो सका। हैरानी की बात यह थी कि लैंडर और रोवर के नष्ट होने के बावजूद इसरो का ऑर्बिट अभी भी चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। जो चंद्रयान 3 उस चंद ऑर्बिट से कॉन्टेक्ट कर लिया है, अब उसका भी उपयोग करता रहेगा। बता दें कि 14 जुलाई को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी, वहीं रूस चंद्रयान 3 के मुकाबले को लेकर जल्दीबाजी में 11 अगस्त को लूना 25 लॉन्च किया था, जो चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। पर मीडिया जानकारी के अनुसार हाई स्पीड के कारण चांद की सतह पर उतरने से पहले ही क्रैश हो गया। हमने 18 को किया था, वो ये कल कर रहे थे। आप ये मान लीजिए, जो हमने 18 को किया था वो ये कल करना चाह रहे थे, और जो हमने 20 को किया ये उस ऑर्बिट के अंदर आना चाहते थे। मतलब जो अपन ने 2 स्टेप में किया, ये 1 स्टेप में करके उस ऑर्बिट में आना चाहते थे जो 18/100 की ऑर्बिट थी। अभी लूना 100/100 की ऑर्बिट में चांद के चारों तरफ घूम रहा था। ये चाहते थे हम इसको 18/100 की ऑर्बिट में ले आए और 21 तारीख को चांद पर उतर जाएंगे। ये डीबूस्टिंग प्रोसेस ही है जो हमने चंद्रयान के लिए बहुत सक्सेसफुली 2 बार कर दिया है, 18 को और 20 को। और हम अब उस ऑर्बिट में आ गए हैं जहां से हम सीधा चांद पर उतरेंगे 23 तारीख को। तो हम ये कर चुके हैं। जो लूना जिस चीज को करने में विफल रहा, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इसरो वो ऑलरेडी 2 बार कर चुका है। हमें तो बस अब लैंड करना है। लूना को तो अभी उस ऑर्बिट में आना था 18/100 की ऑर्बिट में, वो उस ऑर्बिट में नहीं आ पाए। रेदर वो ऑर्बिट इतनी छोटी हो गई कि चांद उस ऑर्बिट के बीच में आ गया। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक बड़ी ऑर्बिट थी जो चांद के चारों तरफ घूम रही थी, उनने इतने तेज रीजन को फायर करवा दिया कि चांद उस ऑर्बिट के बीच में आ गया। तो जब वो स्पेसक्राफ्ट घूमने की कोशिश कर रहा था चांद के चारों तरफ, रेदर वो चांद के ऊपर जाकर टकरा गया।